सुप्रभात बच्चों, आज हम हिंदी में क्या सीखने वाले हैं? यस, आज हम हिंदी में अक्षर क, ख और ग सीखने के बाद आज हम हिंदी में अक्षर घ की बनावट को विभिन्न चरणों में सीखेंगे। यस, तो बच्चों ये कौन सा अक्षर है? घ। ख से घर, ख से घर। तो हम ख से कुछ और शब्द भी सीखेंगे। घ, घ से घड़ी। घ, घ से घर। अब बच्चों हम आते हैं अक्षर घ की बनावट पर। तो अक्षर घ की बनावट के लिए हमारा प्रथम चरण यानी कि हमारा फर्स्ट स्टेप क्या है? यस, हमेशा की तरह हम कहाँ से शुरू करेंगे? ऊपरी रेखा से यानी कि टॉप लाइन से। टॉप लाइन से शुरू करते हुए एक कर्व बनाना है। क्या बनाना है? एक कर्व बनाना है। और उस कर्व को हम कहाँ तक ले जाएंगे? ऊपरी रेखा और निचली रेखा के बीच तक। सेकेंड स्टेप यानी कि दूसरे चरण में हम एक और कर्व बनाएंगे। हम एक और कर्व बनाएंगे। तीसरे चरण में यानी कि थर्ड स्टेप में हमें क्या बनाना है? एक स्टैंडिंग लाइन, एक खड़ी रेखा जिसे हम टॉप लाइन से शुरू करते हुए डाउन लाइन तक लेकर जाएंगे। यस, यानी कि ऊपरी रेखा से शुरू करते हुए निचली रेखा तक। और फोर्थ स्टेप में अपने अक्षर को पूरा करने के लिए क्या लगाएंगे? शिरो रेखा। इस रेखा को हम क्या कहते हैं? शिरो रेखा। अब बच्चों अक्षर घ को विभिन्न चरणों में सीखने के बाद अब हम अक्षर घ को एरोस के डायरेक्शन से सीखेंगे। तो आप सभी मेरे साथ पेंसिल लेके रेडी हो जाइए। तो सबसे पहले हम अपने फर्स्ट एरो के डायरेक्शन में क्या देख रहे हैं कि हमें टॉप लाइन से यानी कि ऊपरी रेखा से घुमाते हुए एक कर्व बनाना है। तो आप सब मेरे साथ एक कर्व बनाएंगे। यस, सबने बना लिया। अब सेकेंड एरो के डायरेक्शन में हम देख रहे हैं कि हमें एक और कर्व बनाना है। हमें एक और कर्व बनाना है जिसे हम थोड़ा ऊपर की तरफ लेकर जाएंगे। तो सभी मेरे साथ बनाएंगे एक और कर्व और उसे थोड़ा सा ऊपर तक लेकर जाएंगे। तो इस तरह से हमारे दो कर्व्स तैयार हैं। अब बच्चों हमारे थर्ड एरो के डायरेक्शन में हमने क्या देखा कि टॉप लाइन से शुरू करते हुए डाउन लाइन तक हमें क्या बनाना है? एक स्टैंडिंग लाइन, एक सीधी रेखा। तो चलिए सब मेरे साथ एक स्टैंडिंग लाइन बनाएंगे। यस, तो ये हमारा स्टैंडिंग लाइन तैयार है। अब बच्चों अंतिम चरण में हमें क्या करना है? शिरो रेखा लगानी है। क्या लगानी है? शिरो रेखा लगानी है। तो सब मेरे साथ अब एक छोटी सी शिरो रेखा लगाते हुए अपने अक्षर घ को कंप्लीट करेंगे, पूरा करेंगे। तो इस तरह बच्चों हमारा अक्षर घ तैयार है।